फर्जी पहचान बताकर धोखाधड़ी करने की कहानियां आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन हैरानी तब हुई जब यूपी की एक डीएसपी इस फर्जीवाड़े का शिकार हो गई। और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने दिया जिसे अधिकारी ने अपना सब कुछ मान लिया था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां एक महिला डिप्टी एसपी के साथ फर्जी आईआरएस अधिकारी बनकर शादी करने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब शादी के बाद महिला पुलिस अधिकारी को अपने साथ हुए इस बड़े धोखे की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद अधिकारी ने धोखेबाज पति से तलाक तो ले लिया, लेकिन वो इसके बाद भी अपनी पत्नी के नाम पर लोगों से ठगी करता रहा। इससे तंग आकर डिप्टी एसपी ने गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में पूर्व पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, जिसकी चर्चा हरोर हो रही है। दरअसल धोखाधड़ी का शिकार महिला पुलिस अधिकारी का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है, जो कि साल 2012 बैच की पीपीएस अधिकारी। श्रेष्ठा इस वक्त यूपी के शामली में तैनात है। वो काफी तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रूप में पहचानी जाती हैं। लोग उन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जानते हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में उनके द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार साल 2018 में उनकी शादी रोहित राज नाम के शख्स से हुई थी। रोहित से उनकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई। उसने खुद को 2008 बैच का आईआरएस अधिकारी बताया और रांची में डिप्टी कमिश्नर पद पर अपनी तैनाती बताई थी। महिला पुलिस अधिकारी के परिजनों ने आरोपी ठग के बारे में जांच पड़ताल भी की थी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर रोहित अपनी पहचान बदलकर शादी करने में सफल कैसे हो गया। दरअसल साल 2008 में सच में रोहित राज नाम का एक व्यक्ति आईआरएस के लिए चयन हुआ था। ये बात भी सच थी कि रांची में उसकी तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर हुई, लेकिन जिस रोहित से डीएसपी की शादी हुई थी ये वो वाला रोहित नहीं था। यानी कि वो रोहित जिससे डीएसपी की शादी हुई वो एक अलग व्यक्ति था, और जिस रोहित का आईआरएस के लिए चयन हुआ वो एक अलग। दोनों में बस नाम की समानता थी, इस कारण से सारा उलटफेर हो गया। शादी से पहले उनके परिजनों ने ठग के बारे में जांच पड़ताल भी की। उसमें पता चला कि 2008 में रोहित राज नाम का एक शख्स आईआरएस के पद पर चयन हुआ। उसकी तैनाती रांची में बतौर डिप्टी कमिश्नर सही पाई गई। मतलब कि ये सब कुछ मिलते जुलते नाम की वजह से हुआ, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने श्रेष्ठा ठाकुर के साथ धोखाधड़ी की। अब आप सोच रहे होंगे कि 2020 में तलाक के बाद अब क्यों श्रेष्ठा ठाकुर ने केस दर्ज करवाया। तो बता दें कि रोहित राज की तरफ से लगातार ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। श्रेष्ठा ठाकुर के पास इसको लेकर कई शिकायतें आने लगी थी, जिसके बाद परेशान होकर श्रेष्ठा ने पूर्व पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। श्रेष्ठा ठाकुर ने पूर्व पति रोहित राज सिंह के अलावा ससुर वकील शरण सिंह और रोहित के भाई संजीत सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। रोहित मूल रूप से बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है और फिलहाल गाजियाबाद में रह रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।